आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो कि गुनहगार का नाम लिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं साबित कर रही हो कि गुनहगार वही है? देखिए साहब, हम यही कहना चाहेंगे, बिना साबूत के किसी को गुनहगार हम साबित नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं बिना सबूत के किसी पे ऐसे ही हम उंगली उठा देंगे? नहीं, तो ये हमारा काम नहीं है। देखिए, हमारे भी चैनल पे स्ट्राइक आया था, हमारा भी वीडियो ब्लॉग हुआ था, ये नहीं है कि नहीं हुआ था। हम खुद इस दर्द से हम खुद गुजर चुके हैं, और हमारे पास जब प्रूफ ही नहीं है कि कौन मारा था स्ट्राइक, कौन वीडियो ब्लॉग कर रहा था, जो कि वो फोन पे इंसान मतलब फोन कर करके धमकी दे रहा था, और ये भी बोल रहा था अगर वीडियो बनाओगी तो तुम्हारा चैनल ही खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए देखिए, जब हमको पता ही नहीं है कि वो कौन था, कहाँ से था, कुछ भी नहीं पता है, तो कैसे हम किसी दूसरे पे उंगली उठा दें? हमारे कहने का मतलब ये भी होता है कि ये काम ऐसा तो नहीं ना कि ये जो काम हो रहा है ये दूसरा कोई कर रहा है और इंजाम दूसरे पे लग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि राधा राज का चैनल डिलीट करवाने में किसी और बाहरी इंसान का हाथ हो, और किसी और पर, मतलब कि इंजाम किसी और के सर पे आ रहा। बिना प्रूफ का तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हम गुड़िया गोरखपुरी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान माता रानी करे आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, एक हमारा बेटा है जो कि मारता है, एकदम दिमाग खराब करके रख देता है। देखिए, जब वीडियो बनाते हैं ना तब आ जाता है स्टंट, ऐसे ऐसे करता है। बैठ देखिए दोस्तों, यही है चंट है। हाय बोलो। हाय, नमस्ते, नमस्ते कर लो, नमस्ते करो सबसे, अंकल जी से, आंटी जी से नमस्ते करो, नमस्ते करो, अच्छे से नमस्ते करो, ऐसे नमस्ते करो, नमस्ते बोल दो। आंटी जी, अंकल जी, हमारा एक बाबू आने वाला है, बोल दो। बाबू आएगा? बोलो बाबू आएगा। बाबू, हाँ बाबू, बाय कर दो, बाय कर दो, तब जाओ, बाय करो, बाय करो, ऐसे से बाय कर दो, बाय करके जाओ। हां चलो, फ्रैंक किस दो, जल्दी से दो, हाँ। और एक दो, एक और एक आंटी जी को दो, एक अंकल जी को दो, जाओ। कह देवा गलत कमेंट मारवा, खून मार, तन कह देवा खून। हां दोस्तों, देखिए मेरा बाबू खून मारेगा जो गलत कमेंट करता है। जाओ मम्मी के पास, जाओ तुरंत जाओ, मम्मी अब खत्म तुम्हारा। तो दोस्तों, ये हम लोगों का लाडला है जो कि यही छोटा है, और बट अगले महीने में एक और आने वाला है, आप लोगों को लड्डू खाने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आते हैं मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बदनाम तो कोई और होता है लेकिन साजिश किसी और का होता है, ये भी होता है। और बिना प्रूफ का किसी को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं रहेगा कि हाँ उस, देखिए जब चैनल मतलब डिलीट होता है उसके लिए भी जीमेल आता है, अगर स्ट्राइक भी आता है तब भी जीमेल आता है। दोस्तों ये नहीं है कि नहीं आता है, जीमेल आता है, और जीमेल लोग चिल्ला रहे हैं तो जीमेल को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ कि किस चैनल से बिना स्ट्राइक मारा जाता है पहले, तब जाके चैनल रिमूव होता है, मतलब ख़त्म हो जाता है चैनल वहाँ पर। तो दोस्तों, इसके जब तक पूरा प्रूफ नहीं हो जाता कि किसने क्या किया है, तब तक हम ऐसे ही किसी को गुनहगार साबित नहीं कर सकते कि फलाना ढेकाना, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि हमारे चैनल पे कौन स्ट्राइक दिया था। कुछ ESTी ऐसे कुछ नाम से था लेकिन पता नहीं, बहुत ही दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान करता था दोस्तों, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उसको पैसा दिया गया, उसके बाद पीछा छोड़ा, तभी से भैया उसको, भैया प्रणाम, स्वर्गोर धरती भैया, सकल ने देखैया दोहरों नहीं हमारे पंगली ना उठैया, कहें कि तू 4-10 हज़ार व्यूज जाला, चला कैसे घर परिवार का खर्चा चलाई ना। दोस्तों नाम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि बहुत रो रहे थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन में हो गए थे दोस्तों, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो गए थे दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, देखिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो गाली है, गलौज है, मारने पीटने चमकाने धमकाने की बहुत कुछ जगह। देखिए हम यही कहते हैं कि आप बात को रखिए, गाली गलौज करने से क्या फ़ायदा है, एक दूसरे को चमकाने मारने फोफो है या दुनिया भर का दूसरा कुछ निकल जाता मुँह से। दोस्तों क्योंकि जानते हैं कोई अगर कोई बंदा हंसियो आवता और रुतियो करता तो हंसी, आज दोस्तों आज प्रूफ हो जाएगा आप लोग वीडियो में, दूध का दूध और पानी का पानी। अगर ये ब्यूज का खेल नहीं रहेगा तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये ब्यूज से कुछ रिलेटेड होगा
क्या बोलते हैं रिलेटेड दोस्तों, अंग्रेजी नहीं बोलने आता, लेकिन जब कल से क्योंकि ब्लॉग इतना ज़्यादा देख रहे हैं दोस्तों, क्या बताएं, दिन भर कल मोबाइल में कौन क्या बोल रहा है, मतलब दोस्तों एक एक वर्ड जो होता है उसको कान से सुन रहे थे, कौन क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, ये बात कहाँ जाती है, मतलब रात को सर दोस्तों इतना तेज दर्द कर रहा था, 12-1 बजे तक नींद नहीं आई हमको, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी, इतना टेंशन यार दिमाग में। हम मानते हैं ये राधाराज जी का मैटर है, लेकिन टेंशन दिमाग में रहता है कि आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हुआ, किसी के भी साथ हो सकता, लेकिन दोस्तों हमारे साथ सबसे पहले हुआ, मेरे साथ सबसे पहले हो चुका है। और आप लोगों को अगर वीडियो दिखाते, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते, कुछ लोग करते नहीं, क्योंकि हमारे बातों पे जो कुछ अच्छे लोग हैं वो लोग विश्वास करते, जो हमको जानते हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वो लोग हमको हमारे ऊपर विश्वास करते कि ये सही बोलती है। बाकी कुछ थेथर लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता, बट कई बार हम रो रो करके वीडियो बनाया है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन किसी को भी घंटा भर फर्क नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं बोला। तो अब क्या करें दोस्तों, और आप लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टली बोलिए, डर रही हो, अरे यार काहे के लिए डर, किससे डरेंगे, बनाते हैं वीडियो, अपना खाते, अपने पति का कमाई, मानते हैं कि यूट्यूब से हमारी कमाई नहीं होती है, रत्ती भर भी कमाई नहीं होती है दोस्तों, हम अपने पति के कमाई खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, कभी भी हमारे पति कुछ, कभी भी आज से लेके आज, मतलब जो बीत गया 12 साल पहले, भी हम आदि तक पहले भी हम ऐसे ही थे, ऐसे ही पहनते थे, ओढ़ते थे, हमारे पास न खाने, ना पीने, ना पहनने, ना ओढ़ने, कुछ चीज की कमी नहीं थी दोस्तों, बस घर नहीं था दोस्तों, और घर भी हो गया, कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों, और घर का जो है मरम्मत अब देखते हैं कब होता है, हम भी सोच रहे हैं हमारा घर भी है, लेकिन क्या करें दोस्तों, कहते हैं कि जब घर में 100 साल खड़ा दोस्तों, देखिए पहले बस हमारे पास घर नहीं था, हम लोग कटरियन में रहते थे, जिस तरह सालू रहती है उसी तरह जीवन बीता है, अब तो 3-4 साल से घर हुआ है हमारा, जब से वीडियो में जुड़े हैं समझ लीजिए तब से हमारा घर बना। आप लोग वीडियो पुराना वाला ओल्ड वाला वीडियो देखिएगा, पहले मेरे पास घर नहीं था, उसमें आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। और दोस्तों हाँ, आज तो नहीं कमा रहा है, लेकिन पहले बहुत अच्छा पैसा हम कमाते थे, दिन भर में 400-500 रुपया आराम से कमा लेते थे, महीने का मतलब 20,000-25,000 रुपया हम ऐसे ही कमा लेते थे, कैसे कमाते थे, सिलाई करके कमाते थे, और वो तो समझ लीजिए यूट्यूब, अब ऐसे ही यूट्यूब पर नाटक नौटंकी रहा तो आज नहीं तो कल बंद ही हो जाएगा। आज जब दोस्तों जब यूट्यूब बंद हो जाएगा तो बड़े बड़े लोगों की है जो जो हैकड़ी है ना, मट्टी में मिल जाएगा, ये नहीं लोग सोच रहे हैं बंद ना कहाँ से, क्योंकि नाटक बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और पब्लिक बहुत ही ज़्यादा इसमें इमोशनली परेशान, हमारे घर पे हमारी देवरानी को सबका वीडियो जब देखा तब वीडियो है, फलानवा कहाँ बोलता, ढिकनवा कहाँ बोलता, मतलब यही लगा हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेंशन। आज जहाँ ये बाहर निकल रहे हैं कहाँ भैल हो, काहे गोरखपुरिया भाजी के कुल ऐसा कहती हो, तो कहाँ भैल राधा के फलान देखा दोस्तों, मतलब हर तरफ पूछ रहे हैं लोग, परेशान हो गए हम लोग जवाब देते देते, तो लड़ना झगड़ना देखिए ऐसे ही एक बार हुआ था, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, गाली गलौज ये है वो है, मतलब एक मिस्टेक से हुआ था, बाद में हमको भी पता चला कि ये मिस्टेक था, हमें भी बुरा लगा था, हम भी बोले थे, बट हमको बाद में पछतावा होने लगा कि हम गलत बोले थे, 1 साल पहले की बात है, मालती जिंदा थी तब लड़ाई हो रही थी, तब की बात बोला हमको, मतलब हम भी बोले थे कुछ, बाद में हमको ये लगा कि ये वर्ड हम गलत इस्तेमाल किए हैं, बाद में हमको ऐसा लगा रियल में हम गलत, देखिए जब तक किसी के पास, जब तक उसके बातों को आप समझ ना ले तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते। कभी कल आंखों देखा भी गलत हो जाता है, देखा दोस्तों कानों सुना भी गलत होता है दोस्तों। आ यहाँ बात आती है राधा राज का चैनल डिलीट होने का, तो इस पे जांच पड़ताल हो तो रहा है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि वो किसने किया, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत चाहिए, सबूत किसी के पास है नहीं, और देखिए राधा राज सबूत देती हैं कि नहीं देती, हम भी दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए कोई भी रहेगा, अगर ये काम कोई भी कर रहा है तो भैया हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी बोलेंगे, लेकिन गलत किसी पे गलत उंगली भी नहीं उठा सकते दोस्तों, हम जानते हैं अगर वो इंसान गलत नहीं है तो उसका पैर पकड़ लेंगे दोस्तों कि भाई हम गलत बोले थे, लेकिन हम गलत नहीं बोले, अभी तक किसी को गलत नहीं बोले हैं, क्योंकि जब तक उसके लिए हमको सबूत है, जब तक हम सबूत नहीं देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है तब तक हम नहीं करते, क्योंकि हम भी जानते हैं कि यार कोई किसी के रोजी रोटी के साथ इतना नहीं खेल सकता है, सबको पता है कि चैनल किस तरीके से खड़ा होता है,
कैसे कैसे मेहनत करते। और दोस्तों यहाँ पे क्या बताएं, यहाँ पे क्या होता है ना कि जिस जिसको बोलने आता है उसी का बोलबाला होता है। सही जो बोलता है उसका तो कोई कद्र नहीं है। और इस लड़ाई झगड़े में हम भी फंस गए दोस्तों, क्या बताएं। हम अब पछतावा हो रहा है कि हम एक वीडियो क्यों बना के डाल दिए, हमको साला डालना ही नहीं चाहिए था। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर है उनको तकलीफ हो रहा है वीडियो देख करके, जो कि हमको गलत बोला गया है, गलत बोला गया है हमको, तो कॉल करके बोल रहे हैं कि आप झगड़े में क्यों फंसी, क्यों आप लोग उन लोगों के बीच जा रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 ही लोग, 100 लोग हमको सही समझते हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जो हम बोलते हैं उन लोगों को लगता है सही है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, और ये बहुत जल्दी आज हो सकता है, अगर ब्यूज का खेल ये नहीं है तो आज समाप्त हो जाएगा। अगर ये ब्यूज का खेल है भैया, सब बोलेंगे, सब लड़ेंगे, एक आदमी कमाएगा तो सब, क्योंकि देखिए किसी के घर भी कुछ भी होता है सब लोग वीडियो डालते हैं। इसमें बोलने का अधिकार किसी का भी नहीं है कि हम लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं कि तो हमारा थंबनेल क्यों यूज कर रहे हो तुम लोग, हमारे नाम के साथ क्यों ये कर रहे हो। सबका नाम सबने यूज किया, केहू यहाँ पंडित बन के ना बैठल बा, सीधी सी बात भैया, क्यों पंडित बन के ना बैठल बा, सब सबका नाम यूज कर ले बा, थर्मेल यूज कर ले बा, फोटो यूज कर ले बा, हर चीज यूज कर ले बा, सब क्यों पंडित ना बा। लेकिन लोग कहेला कि हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, हमारा हमारे नाम से लोग ब्यूज कमा रहे हैं। एक दिन था कि सब लोग कमा रहे थे दूसरे के नाम, मालती के नाम से सब लोग ब्यूज कमा रहे हैं। दोस्तों बोल देंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, आप सही बात बोलते हैं तो मिर्ची लग जाती है लोगों को। आप लोग बोलते हैं तुम्हें मिर्ची लगती है ना, हमें मिर्ची घंटा भर, हमको मिर्ची नहीं लगती, हमको क्यों मिर्ची लगेगी, हम यूट्यूब की कमाई भी नहीं खाते हैं, उतना हम कमाते भी नहीं, हमें मिर्ची क्यों लगेगी, नहीं लगती है हमको मिर्ची, ठीक है, मिर्ची उनको लगेगी, लगती है दोस्तों, जो बोलते हैं कि हमारे नाम से लोग व्यूज कमा रहे हैं, हमारे नाम से ये लोग कर रहे हैं, हमको टैग कर रहे हैं, हमारा थर्मेल यूज कर रहे हैं। क्यों आप भी करते थे, एक समय था कि आप लोग भी करते थे ये काम, आज तक हमारे मुंह से कभी सुने हैं आप लोग कि हमारा थर्मेल यूज मत कीजिए, हमारे नाम के साथ मत खेलिए, हमारा ये वो दुनिया भर का सब करते हैं, किसी का भी वीडियो आप उठा करके देख लीजिए। सौ की सीधी बात, गाली भर मत दीजिए, गाली मत दीजिए, लेकिन गाली देंगे तो भाई वीडियो बनेगा, बनता है। देखिए दोस्तों, और लोग गाली भी सीधा गाली दे करके वीडियो बनाते हैं, कहो खा गई लू वही कदल हो कदल, अरे यार पहले प्रूफ तो हो जाने दो, ऐसे ही आप किसी पे अंगुली उठा दोगे, पहले प्रूफ हो जाने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है भाई, ये सब क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर किसी के खिलाफ अंगुली उठता, अगर वो भाई सही, अगर वो गलत रहेगा तब तो झुका ही रहेगा, लेकिन अगर गलत नहीं रहेगा तो झुकेगा नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि इज्जत सबकी इज्जत होती है। हम देखिए दोस्तों, बस हम यही कहेंगे कि हम सच के साथ हैं, ये नहीं कह रहे कि कोई हमारे घर पे रोटी ला के नहीं दे देगा हमको, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे अगर आप दिल की बात शेयर कर देते हैं तो लोग रिकॉर्डिंग रख लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ ये सब काम नहीं होता। अगर कोई आपका, हम यही सोचते हैं कि हमको कोई अपना समझ के अगर कोई कुछ बात हमसे शेयर कर रहा है तो उसको हम सोशल मीडिया पे नहीं लाने देंगे। क्यों नहीं लाने देंगे, क्योंकि हम भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और फैमिली के साथ रहते हैं। कहते हैं कि जब हम अच्छे ही नहीं रहेंगे तो हमारे फैमिली वाले कैसे अच्छे रहेंगे, हम इसे सीख रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे फैमिली के लोग जो हैं हम इससे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों ये काम अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों किसी के पास कॉल नहीं करना। अगर हाँ इंसान सामने सामने मिलता है तो उसे बात कर लीजिए, और वो भी इंसान देखिए अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो भी किसी ना किसी से ज़रूर लगा देगा दोस्तों, किसी पर भरोसा नहीं रहा दोस्तों। हम तो एकदम सच में बता रहे, कसम से बता रहे दोस्तों, हम तो हमारा तो दिल ही टूट गया दोस्तों, अब भरोसा नहीं रहा किसी पे भी, नहीं रहा अपने आप पे नहीं करते हैं भरोसा दोस्तों, काहे झूठ बोले दोस्तों। चलिए हमारे बात बता देंगे, तुम्हारे पे भरोसा करी ला, कहला दोस्तों कहते हैं 5 मिनट बाद आते हैं आधा घंटा बाद, हमको पता होता है कि जब ये 5 मिनट बोल के जाते हैं तो आधा घंटा एक घंटा 4 घंटा में जरूर आएंगे, हमको ये इनके पे भरोसा साला, हमारे पे खुदा नहीं भरोसा बस साला, हम अपने खुदा नहीं भरोसा करी ला, आज का करती बियन का करब, चला भैया नहीं करेगा। तो दोस्तों वीडियो पे इन करते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे सब्सक्राइबर लोग आप लोग परेशान मत होइए, और हम कुछ आप लोगों को पता है कि कुछ गलत नहीं बोलते, आप लोग बोल रहे हो कि फलाना ढिकाना आपको गलत बोल रहा है, बोलने दीजिए। कहते हैं जब बिगड़ता है तो सारे जो अच्छे बोलते हैं वो लोग भी बुरे लगते हैं ना, तो बिगड़ा हुआ है तो हम भी बुरे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक समय था मालती सबके नज़र में खराब थी, और एक समय आ गया कि मालती के नाम से लोग पैसा छाप दिए दोस्तों। तो दोस्तों बाय बाय।